आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि दो इंस्ट्रूमेंट है और दोनों का स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है और दोनों एक साथ बजाया जा रहा है। तो ऐसा बोला गया है कि अगर टेंशन इन वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 1%, मतलब दोनों में से किसी एक इंस्ट्रूमेंट में जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसको 1% से अगर बढ़ा दिया जाए तो 3 बीट प्रोड्यूस होता है 2 सेकेंड में। तो गिवन दिस इन्फॉर्मेशन अपने को इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालना है ईच वायर का। तो अपन जानते हैं कि जो वी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, ये अपना फ्रीक्वेंसी है और ये टी अपना टेंशन है। ये कहाँ से आया? ये इस फॉर्मूला से आया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2L रूट अंडर टेंशन बाई मास पर यूनिट लेंथ m। तो हर चीज़ अगर कांस्टेंट हो, m कांस्टेंट हो, l कांस्टेंट हो, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर t हो जाएगा, वही यहाँ लिखा हुआ है। तो जो f डैश है फ्रीक्वेंसी है वो अगर टेंशन t मानते हैं, अगर मान लेते हैं कि इनिशियल टेंशन इन स्ट्रिंग का t है और फ्रीक्वेंसी v है, तो फ्रीक्वेंसी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी हो जाएगा। और वी डैश कितना हो जाएगा? वी डैश जो कि टेंशन को 1% बढ़ा देने के बाद आया वो हो जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी, जो कि टेंशन को 1% बढ़ा देने के बाद आया वो हो जाएगा अपना टी प्लस 1/100 टी। तो अगर वी डैश को वी से डिवाइड कर दें तो अपना क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 + 1/100 रूट अंडर टी, टी कैंसिल हो जाएगा और ये रूट अंडर आ जाएगा। इसको अपन अगर इस एक्सप्रेशन को अगर अपन बाइनोमियली एक्सपेंड कर दें और हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर दें तो अपना क्या आ जाएगा? ये 1/200। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ये वी है, वी डैश नहीं है, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये वी डैश माइनस वी बाई वी इक्वल टू 1/200 आ जाएगा। और फर्दर 3/2V इक्वल टू 1/200 आ जाएगा और V का वैल्यू अपना 300 हर्ट्स आ जाएगा। ये अपना आंसर है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये V डैश माइनस V अपने को दे रखा है जो कि 2 बीट्स पर सेकंड होते हैं। तो वहाँ से वैल्यू 2 बीट्स 3 बीट्स इन 2 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 3/2। तो वी डैश माइनस वी अपन यहाँ 3/2 लिख सकते हैं और वहाँ आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वहाँ से अपने को अपना आंसर मिल जाएगा।